ड्रीम्स यानी सपने। आखिर क्या है ये सपने और क्यों आते हैं ये हमें? बेसिकली आपने देखा होगा कि जो हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में करते हैं या हम किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं तो हमें अक्सर उससे रिलेटेड सपने आने लगते हैं। और इसकी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जागने के बाद हम अपने सपने का 80% हिस्सा भूल चुके होते हैं। और आपने शायद कई बार इस चीज को फील भी किया होगा, ज्यादातर लोगों को ऐसे ही सपने आते हैं। पर क्या आपको कभी अजीब सा सपना आया है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही ना हो, या फिर आपकी डेली रूटीन लाइफ से वो बिल्कुल अलग हो? अगर मैं आपको ये बताऊं कि हम अपने सपने में अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? अब आप ये बोलेंगे कि ये क्या बोल रहा है भाई, हमें तो आज तक अपना भविष्य कभी नहीं दिखा। लेकिन दोस्तों, कभी ना कभी आपने अपने सपने में कुछ ऐसा जरूर देखा होगा जिसने आपको बिल्कुल हैरान कर दिया होगा। अमेरिका के पैरासाइकोलॉजिस्ट यानी कि परामनोवैज्ञानिक और इन्वेंटर डॉक्टर एंड्रीजा पुहारिज ने अत्याधुनिक शक्तियों पे कई सारे रिसर्च किए, जिसमें द सीक्रेट मशरूम, बियॉन्ड टेलीपैथी, टेस्लाज मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर जैसी कई सारी किताबें लिखी। उन्होंने बियॉन्ड टेलीपैथी में अपने सपने में भविष्य को देख लेने की कई सारी घटनाओं के बारे में लिखा है। उसमें से एक तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक है। एक बार हाइस नाम की एक महिला सुबह 5 बजे अचानक ही नींद से जाग जाती है, जैसे उसने कोई बुरा सपना देख लिया हो। उसने अपने सपने में ये देखा, उसका बेटा जॉन कार में जा रहा है और अचानक उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार एक गड्ढे में जा गिरती है। उसके शरीर से बहुत सारा खून बहने लगता है और वो ये सब देख कर इतनी डर जाती है कि उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसको ऐसा फील हुआ कि इस बात का उसके बेटे के साथ कुछ ना कुछ संबंध तो जरूर है। इसलिए ठीक उसी टाइम उन्होंने कॉलेज के हॉस्टल में फोन किया जहां जॉन था। उसके हॉस्टल के स्टाफ के मेंबर ने ये बताया कि इस समय जॉन हॉस्टल में नहीं है और वो कहां गया है इसका उनको नहीं पता। लेकिन उन्होंने ये बताया कि जब जॉन वापस लौटेगा तो वो उससे उनकी बात करा देंगे। ये बोलने के कुछ ही घंटों बाद हाइस के पास के स्टाफ के मेंबर का एक फोन आता है और वो ये कहता है कि उसको जॉन के बारे में कुछ जानकारी मिली है। वो ये कहता है कि जॉन रात में अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था और वो पहाड़ियों पर कार चला रहा था कि अचानक उसकी कार खाई में गिर गई और एक गड्ढे में जाकर फंस गई, जिस वजह से कार को तो बहुत नुकसान हुआ पर जॉन और उसके दोस्त को मामूली खरोच आई। फिलहाल तो वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। अब दोस्तों, आप ही सोचिए कि इसमें चौंका देने वाली बात तो ये थी कि जॉन का एक्सीडेंट ठीक उसी समय हुआ था जब उसकी माँ को वो सपना आया था। एक और घटना भी बिल्कुल ऐसी ही है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु की घटना उनकी मृत्यु से पहले 2 लोगों के सपनों में आ चुकी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी तास्कन एग्रीमेंट करने आए हुए थे। तभी वहाँ के एक स्टूडेंट जो कि मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही थी, उस लड़की के मन में शास्त्री जी के प्रति काफी सम्मान था। वो शास्त्री जी को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। एक दिन उसने शास्त्री जी के सहयोगी उदय कुमार को ये बोला कि उसने हाल ही में शास्त्री जी के बारे में एक बुरा सपना देखा है। उसे सपने में एक शमशान दिखा जिसमें शास्त्री जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ था और उसने ये भी बताया कि पता नहीं क्यों ये बात सच होगी। और उसने बोला कि अगर मैं इस बार शास्त्री जी को ना देख पाई तो शायद ही अपनी जिंदगी में कभी देख पाऊँ। 9 जनवरी 1966 शास्त्री जी का एक भाषण होने वाला था और जब ये बात उस लड़की को पता चली तो वो लड़की शास्त्री जी को देखने के लिए वहाँ पहुँच गई और उसने उन्हें करीब से देखा भी और सुना भी। उसी दिन 9 जनवरी 1966 को उदय कुमार जो कि शास्त्री जी के सहयोगी थे, उनको भी उसी रात एक सपना आया और उन्होंने सपने में ये देखा कि वो अपने मित्र के साथ शास्त्री जी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए हुए थे और साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि उस जगह पर वो लड़की भी मौजूद थी जिसको शास्त्री जी के बारे में पहले सपना आ चुका था। वो उदय कुमार को ये बोलती है कि शास्त्री जी की मृत्यु होने वाली है, अब आप इन्हें कभी नहीं मिल पाओगे, अब तो इनका पार्थिव शरीर ही भारत वापस लौटेगा। ठीक उसके बाद 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी काबुल जाने वाले थे। उदय कुमार अपने मित्र के साथ शास्त्री जी को एयरपोर्ट छोड़ने जाने की तैयारी कर रहे थे। ठीक उसी वक्त डॉक्टर पांडे ने उदय कुमार को ये खबर दी कि शास्त्री जी की अचानक हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई है। इसी तरह उस स्टूडेंट और उदय कुमार का देखा गया सपना सच हो गया। 31 अक्टूबर 1898 को एक ऐसी घटना घटी जो बेहद ही चौंका देने वाली थी। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के एनाफील्ड सिटी में रहने वाली मार्था ह्यूज नाम की एक लड़की अचानक लापता हो गई। वो लड़की सुबह अपने घर से निकली थी लेकिन जब रात होने पर भी वो वापस नहीं लौटी तो उसके माता पिता ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। फिर कई लोगों ने उसके माता पिता को ये बताया कि उन्होंने मार्था को अंतिम बार मस्कोमा लेक के पास देखा था। उसके बाद उसके माता पिता और साथ में कई लोग
मार्था को ढूंढने के लिए उस लेक में पहुंचे। गोताखोरों ने 3 दिन लगातार उस लेक में मार्था को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। और अगले ही दिन टाइटस नाम की एक महिला उनके घर पहुंची। उसने उसके माता पिता को ये कहा कि मैं आपकी बेटी को ढूंढने में आपकी मदद कर सकती हूँ। फिर उस महिला ने ये बताया कि पिछली रात उसे एक सपना आया था जिसके आधार पर वो मार्था को ढूंढ सकती है। उसने सपने में ये देखा कि मार्था एक तालाब में एक जगह पर कीचड़ में फंसी हुई है। उस महिला की बात पर विश्वास करते हुए उसके माता पिता उस महिला को लेकर उस जगह पर पहुंचे, जिसके बाद वो लोग 2 गोताखोरों के साथ नाव में बैठकर मार्था को ढूंढने के लिए निकले। उस महिला के कहने के मुताबिक नाव चालक नाव चला रहा था, तभी अचानक उस महिला ने नाव चालक को रुकने के लिए कहा और गोताखोरों से बोला कि इसी जगह ढूंढो। फिर उन गोताखोरों ने वहां ढूंढना शुरू किया। 18 मीटर गहरे पानी में 1 मिनट ढूंढने के बाद जब वो बाहर आए तो उनके हाथ में मार्था की लाश थी। और उन्होंने बाहर आकर ये भी बोला कि मार्था का शरीर एक कीचड़ में फंसा हुआ था। ये सब देखकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए। दोस्तों, अगर आपको भी कभी कोई ऐसा अजीब सा सपना आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना।